दोस्तों आईपीएल 2024 का 18वां महामुकाबला आईपीएल की 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर खेलकर अपने 5 विकेट खोकर 165 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को 18.1 ओवर में ही बड़े ही शानदार तरीके से 11 गेंदे शेष रहते ही 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत मिलने के बाद आईपीएल 2024 के आज के पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वहीं पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इस मुकाबले में बुरी तरह से हार का सामना करने के बाद आईपीएल 2024 के आज के पॉइंट्स टेबल में तगड़ा झटका लगा है और चेन्नई के साथ में ही पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमों को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं पर दोस्तों आज के पॉइंट्स टेबल से 2 टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के इस मुकाबले के खेले जाने के बाद आईपीएल 2024 के आज के पॉइंट्स टेबल में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं और कौन कौन सी टीमों को बड़ा झटका लगा है और कौन सी टीमों को खुशखबरी मिली है। वहीं पर दोस्तों आज के पॉइंट्स टेबल में कौन कौन सी टीमें कितने नंबर पर और कितने अंकों के साथ मौजूद हैं, दोस्तों पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके 1 सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2024 के आज के पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानी कि 10वें नंबर की टीम के बारे में बात करें तो 10वें नंबर पर यहां पर आईपीएल की 5 बार की चैंपियन और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम का नाम आता है। यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में मुंबई की टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस का आज के पॉइंट्स टेबल में कोई भी अंक नहीं है और अगर बात करें मुंबई के नेट रन रेट की तो -1.423 का काफी घटिया नेट रन रेट है। दोस्तों आपको बता दें कि सीएसके और एसआरएच के इस मुकाबले के खेले जाने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुंबई की टीम इस मुकाबले के खेले जाने से पहले भी पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर मौजूद थी और अब इस मुकाबले के खेले जाने के बाद भी मुंबई की टीम 10वें नंबर पर ही मौजूद है। अब यहां से मुंबई इंडियंस की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मात्र 60% चांस बचे हुए हैं। अगर यहां से मुंबई की टीम अपने 7 मुकाबले जीतते हैं और अपना नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा शानदार करती है तो मुंबई की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वहीं पर दोस्तों अगर आज के पॉइंट्स टेबल में यहां पर 9वें नंबर की टीम के बारे में बात करें तो 9वें नंबर पर यहां पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी इस मुकाबले के खेले जाने के बाद आईपीएल 2024 के आज के पॉइंट्स टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस मुकाबले के खेले जाने से पहले भी दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर मौजूद थी और इस मुकाबले के खेले जाने के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर ही मौजूद है, क्योंकि दिल्ली की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में 4 मुकाबले खेले हैं जिनमें से मात्र 1 मुकाबले में दिल्ली को जीत मिली है। वहीं पर 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम के अभी तक 1 जीत के साथ में पॉइंट्स टेबल 2 अंक हो चुके हैं और इसी के साथ में -1.347 का काफ़ी घटिया नेट रन रेट है। अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 70% चांस बचे हैं। दिल्ली की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और इसी के साथ में अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के इस मुकाबले के खेले जाने के बाद अगर 8वें नंबर की टीम के बारे में बात करें तो 8वें नंबर पर यहां पर फाफ डु प्लेसी की कप्तानी वाली आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का नाम आता है। बेंगलुरु की टीम को भी इस मुकाबले के खेले जाने के बाद आईपीएल 2024 के आज के पॉइंट्स टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में 4 मुकाबले खेले हैं जिनमें से मात्र 1 मुकाबले में आरसीबी को जीत मिली है। वहीं पर 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ आज के पॉइंट्स टेबल में आरसीबी के आज के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हो चुके हैं। आपको बता दें कि आरसीबी का -0.876 का काफ़ी घटिया नेट रन रेट है। अब यहां से आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और इसी के साथ में अपना नेट रन रेट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर करना होगा।
और दोस्तों अगर आज के पॉइंट टेबल में यहाँ पर सातवें नंबर की टीम की बात करें तो सातवें नंबर पर सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई को हराने के बाद और हैदराबाद की जीत के साथ में ही गुजरात टाइटंस को आज के पॉइंट टेबल में तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस मुकाबले के खेले जाने से पहले गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट टेबल में छठवें नंबर पर मौजूद थी। लेकिन दोस्तों अब हैदराबाद को जीत मिलने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम आज के पॉइंट टेबल में सातवें नंबर पर खिसक गई है। गुजरात की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में चार मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो मुकाबले में जीत मिली है और दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ गुजरात के आज के पॉइंट टेबल में चार अंक हो चुके हैं और -0.580 का काफी घटिया नेट रन रेट है। अब यहां से गुजरात टाइटन्स के प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए 80% चांस बचे हैं। आपको बता दें कि गुजरात टाइटन्स की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 5 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट बेहतर करने के साथ में गुजरात की टीम सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। और दोस्तों अगर आज के पॉइंट टेबल में यहाँ पर छठवें नंबर की टीम के बारे में बात करें तो छठवें नंबर पर शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम का नाम आता है। हैदराबाद को जीत मिलने के बाद पंजाब की टीम को आज के पॉइंट टेबल में तगड़ा झटका लगा है। इस मुकाबले के खेले जाने से पहले पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में पांचवें नंबर पर मौजूद थी। लेकिन दोस्तों अब चेन्नई को बुरी तरह से हराकर हैदराबाद ने अपना नेट रन रेट काफी ज्यादा सुधार लिया है, जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम पांचवें नंबर पर पहुंच गई है और शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब की टीम आज के पॉइंट टेबल में छठवें नंबर पर खिसक गई है। पंजाब ने अभी तक आईपीएल 2024 में चार मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो मैचों में पंजाब को जीत मिली है और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ पंजाब के आज के पॉइंट टेबल में चार अंक हो चुके हैं और -0.220 का काफी घटिया नेट रन रेट है। अब यहां से पंजाब की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपना नेट रन रेट तो सुधारना ही होगा, इसी के साथ में 5 मुकाबले भी जीतने होंगे। और दोस्तों अगर आज के पॉइंट टेबल में यहाँ पर पांचवें नंबर की टीम की बात करें तो पांचवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आज के पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। इस मुकाबले के खेले जाने से पहले हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में सातवें नंबर पर मौजूद थी। लेकिन दोस्तों अब इस मुकाबले को जीतने के बाद हैदराबाद की टीम आज के पॉइंट टेबल में पांचवें नंबर पर अपना कब्जा बना चुकी है। आपको बता दें कि हैदराबाद ने अभी तक आईपीएल 2024 में चार मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो मैचों में हैदराबाद को जीत मिली है और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ आज के पॉइंट टेबल में एसआरएच के चार अंक हो चुके हैं और +0.409 का काफी शानदार नेट रन रेट है। अब यहां से हैदराबाद की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 5 मुकाबले जीतने होंगे। तो चौथे नंबर पर यहां पर केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। लखनऊ ने अभी तक आईपीएल 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो मैचों में लखनऊ को जीत मिली है और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ लखनऊ के आज के पॉइंट टेबल में चार अंक हो चुके हैं और +0.483 का काफी शानदार नेट रन रेट है। लखनऊ की टीम को भी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 5 मुकाबले जीतने होंगे। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के इस मुकाबले के खेले जाने के बाद अगर तीसरे नंबर की टीम के बारे में बात करें तो तीसरे नंबर पर यहां पर सीएसके यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों बुरी तरह से हार मिलने के बाद सीएसके की टीम को आज के पॉइंट टेबल में ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगा। आपको बता दें कि सीएसके की टीम को मात्र एक मैच का नुकसान हुआ है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में चार मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो मैचों में चेन्नई को जीत मिली है और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ आज के पॉइंट टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के चार अंक हो गए हैं। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद से काफी ज्यादा बेहतर है। चेन्नई का नेट रन रेट +0.517 का नेट रन रेट है। अब यहां से चेन्नई को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 5 मुकाबले जीतने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आज के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर की टीम के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर यहां पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। राजस्थान की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में राजस्थान को बड़े ही शानदार तरीके से जीत मिली है। इसी के साथ राजस्थान की टीम के आज के पॉइंट टेबल में 6 अंक हो चुके हैं और +1.249 का काफी बेहतरीन नेट रन रेट है। अब यहां से राजस्थान की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 4 मुकाबले जीतने होंगे।
और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के 18वें महामुकाबले के खेले जाने के बाद अगर आज के पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप की टीम के बारे में बात करें तो सबसे टॉप पर यानी कि पहले नंबर पर केकेआर की टीम मौजूद है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर की टीम ने अभी तक आईपीएल 2024 में 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में केकेआर की टीम को राजस्थान की तरह ही शानदार तरीके से जीत मिली है। इसी के साथ केकेआर के पॉइंट्स टेबल में 6 अंक हो चुके हैं और प्लस 2.518 का काफी शानदार नेट रन रेट है। अब यहां से केकेआर की टीम को भी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 4 मुकाबले जीतने होंगे और केकेआर की टीम 4 मुकाबले जीतने के बाद अपने शानदार नेट रन रेट और 14 अंकों के साथ सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2024 में वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।